आज की जो रैली है ये अजमेर की विभिन्न जो अग्रणी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं वे सभी मिलकर माय क्लीन स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में, ग्रीन आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में निकाल रही हैं। मानव निर्मित जो ये झील है आज जलकुंभी से इस तरीके से अट गई है कि अब इसको प्रशासन जितना भी प्रयास करेगा ये बढ़ती ही जाएगी, तो इसके लिए एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है जिसमें माननीय जिला कलेक्टर एक इस तरीके की टीम बनाए जिससे सब मिलकर इसकी जलकुंभी को निकालने का प्रयास करें, और जो अपने अपने विचार हैं वो आज हम एक पोस्टर भी बनवा रहे हैं उसमें दें, उन विचारों को हम कलेक्टर के थ्रू नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे वो ये 800 साल पुरानी जो झील है इसको, जो मानव निर्मित झील है इसको बचाने के लिए एक ऐसी टीम का गठन करें जो इस जल्दी से जल्दी इस समस्या से हमें निजात दिलवा सके। जो विश्व पृथ्वी दिवस है, वर्ल्ड अर्थ डे, और आज के दिन अजमेर की जो पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाएँ हैं उनके द्वारा अजमेर में जो एक सबसे बड़ी इस समय समस्या चल रही है वो आना सागर झील को जलकुंभी ने जिस तरह से घेर लिया है उसके समाधान की मांग के लिए एक वृहद रैली का आयोजन किया जा रहा है जिसमें माय क्लीन स्कूल और ग्रीन आर्मी के साथ साथ शहर की विभिन्न संस्थाएं और विभिन्न शिक्षण संस्थाएं शामिल हैं। और हमारी इस रैली के माध्यम से ना सिर्फ पृथ्वी को बचाने की मांग तो है ही, लेकिन जो एक बिल्कुल एक सामने एक समस्या दिखाई दे रही है और इसका निदान पिछले 2 महीने 2.5 महीने से समस्या चल रही है, और आज का ही अगर हम चित्र देखें तो पूरा आना सागर इस समय इस जलकुंभी से ढका हुआ है, तो ये भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये झील की एक तरह से मौत की तैयारी है कि झील नष्ट, हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी। ये 800 साल पुरानी झील है, मानव निर्मित झील है, और इसको हम आज के आधुनिक ज़माने में अगर नहीं बचा पाते हैं तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं हो सकती। तो इसके लिए हमारी मांग ये है कि एक बहुत ऑल आउट एफर्ट्स हों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विभिन्न एजेंसियां सब मिलकर काम करें, तो ऐसे कौन सी समस्या है जिसका समाधान नहीं हो सकता है, तो ये त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। और जिला प्रशासन के अब बस की ये काम रहा नहीं है, तो इसमें सभी एजेंसियों को सामने आना पड़ेगा। जितना जन सहयोग चाहिए अजमेर की जनता इसके लिए तैयार रहेगी, सब मिलकर काम करेंगे तो इससे का निदान अवश्य हो सकता है। ये रैली भी निकाली जा रही है आज? आज रैली निकाली जा रही है यहाँ आना सागर चौपाटी से जो जलकुंभी का केंद्र है, और यहाँ से लेकर जवाहर रंगमंच और सावित्री स्कूल होते हुए जिला कलेक्ट्रेट तक जाएगी, और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन दिया जाएगा कलेक्टर के मार्फत, जो कि हम प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं। अजमेर की विभिन्न जो अग्रणी संस्थाएं हैं जो पर्यावरण के लिए कार्य करती हैं वे सभी मिलकर माय क्लीन स्कूल के संयुक्त तत्वाधान में, ग्रीन आर्मी के संयुक्त तत्वाधान में निकाल रही हैं। मानव निर्मित जो ये झील है आज जलकुंभी से इस तरीके से अट गई है कि अब इसको प्रशासन जितना भी प्रयास करेगा ये बढ़ती ही जाएगी, तो इसके लिए एक संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है जिसमें माननीय जिला कलेक्टर एक इस तरीके की टीम बनाए जिससे सब मिलकर इसकी जलकुंभी को निकालने का प्रयास करें, और जो अपने अपने विचार हैं वो आज हम एक पोस्टर भी बनवा रहे हैं उसमें दें, उन विचारों को हम कलेक्टर के थ्रू नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके पास पहुंचाने का कार्य करेंगे, जिससे वो ये 800 साल पुरानी जो झील है इसको, जो मानव निर्मित झील है इसको बचाने के लिए एक ऐसी टीम का गठन करें जो इस जल्दी से जल्दी इस समस्या से हमें निजात दिलवा सके। करीब कितने बच्चे शामिल हैं आज? करीब 400 बच्चे शामिल हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमें निर्देशित किया है कि एक संयमित और कम संख्या की रैली हमें निकालनी जानी है, उसी के क्रम में आज ये काम कर रहे हैं हम।